Don't have done. Okay, beta. I can see of Shivansh also. Shivansh is also done. Hey everyone, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ शीतल देढ़ा और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। और आज की जो वीडियो है, अभी मैं मॉर्निंग नहीं है, दोपहर हो चुकी है, तो मैं ये वीडियो इस टाइम शुरू कर रही हूँ। आप सोच रहे हो मैं इस टाइम नहाई हूँ, नहीं, मैं नहा तो बहुत देर पहले ली थी, सुबह ही नहा लेती हूँ, लेकिन जो मैं हेड वॉश है वो दिन में ही करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना सर्दियों में क्या होता है, बालों को गीले रखो या बांध के रखो, तो बांध के रखेंगे तो ठंड लग जाएगी, गीले रखेंगे तो पानी टपकता रहेगा, सुबह सुबह काम बहुत होता है, तो इसलिए विंटर्स में मैं हमेशा अपना हेड वॉश करती हूँ दिन में। तो अभी बच्चे नहा चुके हैं, नहा के ऑनलाइन क्लास उनकी हो चुकी है और वो अपना गेम वेम खेल रहे हैं। थोड़ी देर में उनकी फिर से ट्यूशन होने वाली है, उससे पहले वो नहा के थोड़ी देर खेल लेते हैं, अपना खाना वाना खा के बैठे हैं, गेम खेल रहे हैं बच्चे। तो हमारा तो डेली रूटीन यही रहता है, बच्चों को नहलाओ खिलाओ उनके साथ। तो विंटर्स की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, सबके साथ जो कॉमन प्रॉब्लम है, वो है स्टोरेज की। सबको आती होगी क्योंकि कितना भी आपके पास स्पेस हो, लेकिन सर्दियों के कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम हमेशा परेशान ही रहते हैं किसे कहाँ कैसे रखें। और अभी जैसे हम लोग टूर पे गए थे, मम्मी के घर गए थे, तो बहुत सारे कपड़े इधर से उधर, उधर से इधर, कभी ये बैग खाली, कभी वो बैग खाली, बड़ा सिर दर्द होता है। और जैसे कि बच्चे होते हैं और बड़े, मतलब जेंट्स जो होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, वो अपनी अलमारी को सेम ही रखते हैं, जैसे बच्चे रखते हैं ऐसे ही बड़े सेम। जैसे बात करें डेढ़ा साहब की, तो उनकी अलमारी का भी सेम हाल होता है, वो उनकी अलमारी को जितनी बार भी ठीक करे वो वैसी ही रहती है उनकी अलमारी, वो उतना बच्चों की तरह कपड़े निकालते हैं, ख़राब कर देते हैं। मोस्टली मेरे हिसाब से सभी जेंट्स यही करते होंगे, कोई होते होंगे जो अच्छे से रखते होंगे। तो मैंने अपने लिए कुछ ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर करे थे कि ये अच्छे से जो अपने विंटर से कपड़ों को कैसे रखें, या अलमारियों में बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखते रहना मैं कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो यहाँ पर चल रहा है मेकअप राशि का, दिख गई हो इतना मेकअप कर लिया, अभी तो कुछ भी ना करो, अभी स्टार्ट तो करा मैंने। और उससे पहले कॉफ़ी की फरमाइश हो चुकी है और हमने बना ली है कॉफ़ी, और यहाँ पर पड़े हैं इसके कपड़े चेंज करने के लिए शूट के। तो राशि मैडम बैठी है अपना मेकअप करके, आधा मेकअप कर लिया है, आधा बाकी है अभी, और मैं बिना मेकअप के ऐसे ही बैठी हूँ क्योंकि मुझे आज कुछ शूट करना नहीं है। तो कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए तो राशि की आने वाली है एनिवर्सरी, 28 तारीख की एनिवर्सरी है, 8-10 दिन बचे हैं अभी। तो हम लोग सोच रहे हैं कि क्या प्लान करें एनिवर्सरी पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि सेलिब्रेशन अभी एक दो हमने लास्ट करे हैं, तो अभी मन नहीं है कि उतना बड़े स्केल पे कुछ करें। और बाहर जाने का सोचेंगे, कहीं रेस्टोरेंट वगैरह जाएँ, तो आजकल आपको पता भी सब बंद पड़ा है। तो आप लोग कुछ अच्छा सा सजेशन हमें दो कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना राशि की एनिवर्सरी के लिए क्या हम अच्छे से प्लान कर सकते हैं। तो बताओ, आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, मैं सबके आइडिया देखूंगी, जिसका बेस्ट आइडिया होगा तो वो हम सेलिब्रेट करेंगे, पर एक दो दिन में ही कमेंट कर देना, ताकि जल्दी जल्दी अगर कुछ अलग सा हो तो हम उसके लिए वर्क कर सकें और प्लान करें। और मेरे को थोड़ी अजीब चल रही क्योंकि आधा मेकअप है और आधा नहीं है। तो गाइज, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि एनिवर्सरी पे कुछ अलग सा, कुछ यूनिक सा क्या प्लान करें, जिसका आइडिया हमें सबसे अच्छा लगेगा तो हम ज़रूर वो करेंगे। तो प्लीज़ ज़रूर बताना हमें कमेंट करके। तो ये है डेढ़ा साहब की अलमारी, जिसको कितना भी ठीक कर लेते हैं वो ऐसे बच्चों की तरह ही से ऐसे ही गंदा ही कर देते हैं। तो अभी इसको ठीक है, थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं ताकि कपड़े ख़राब ना हों। कुछ भी कपड़े रखो तो वो ऐसे कर देते हैं, तो देखते हैं इसका क्या करते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने मंगाए हैं शर्ट्स और टी शर्ट्स रखने के लिए कुछ ऑर्गेनाइज़र, जैसे आप देख सकते हैं इसमें टी शर्ट्स को रख रहे हैं और शर्ट को भी। तो जैसे कि शर्ट हम लोग अलमारी में तह लगा के रख देते हैं, लेकिन उसके बाद होता है क्या, जब एक शर्ट निकालते हैं ऊपर से तो नीचे से सारी शर्ट जो है ख़राब हो जाती है। इसका हम इसमें रखने से फ़ायदा होगा कि हमारी कपड़ों की तह ख़राब नहीं होगी। और ये वाला ऑर्गेनाइज़र जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा है साइज़ में, बहुत ही स्पेशियस है ये, और इसको रखने का एक फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आप अभी देख सकते हैं मैं कितने सारे जो जैकेट्स हैं, इतनी मोटी मोटी जैकेट्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी जैकेट्स हैं, वो इसमें कम से कम मैंने 13, 14, 15 कम से कम इसमें मैंने जैकेट्स रखी हैं। ईजिली आ गई हैं सारी बड़ी बड़ी जैकेट्स हैं, जेंट्स वाली साइज़ जैसे होती हैं बड़ी बड़ी जैकेट, वो वाली जैकेट सारी आ गई हैं और बहुत ही स्पेशियस है। अगर इसमें चाहे तो आप अभी एक्स्ट्रा 1-2 जैकेट और भी आ सकती थी, थोड़ी पतली वाली इसमें और भी आ सकती हैं, फिर भी काफ़ी सारी जैकेट आप देख सकते हैं मैंने इसमें रख दी हैं और ये बहुत ही ज़्यादा स्पेस है इसमें। तो ये तो बहुत ही काम की चीज़ है। आप चाहे तो इसमें जैकेट रख सकते हैं, आप चाहे तो इसमें ब्लैंकेट भी रख सकते हैं, मतलब स्टोरेज पर्पस से आप इसे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको जैकेट्स के लिए यूज़ किया है, आप देख सकते हैं अलमारी में। और इसमें साइड में जो जिप दी हुई है, इसमें ईजिली इसे खोल के आप इसमें जो भी सामान रखना है रख सकते हैं, निकाल सकते हैं। और ये वाले जो बॉक्स हैं ये भी स्टोरेज के पर्पस से ही हैं। इनमें जैसे जो शर्ट अभी जैसे नहीं पहन रहे हैं, विंटर्स में जो शर्ट नहीं यूज़ हो रही हैं, कॉटन की शर्ट्स हैं, वो अलग से इसमें रख दी हैं मैंने। कुछ ये छोटे स्टोरेज बॉक्स हैं जिन्हें में जैसे कि हैंकीज़, आप अपने मास्क वगैरह रख सकते हैं। और ये वाली देखिए आप जो बॉक्स है इसमें साइड में से जिप दी हुई है सामने से, शर्ट को भी आप देख सकते हैं ऐसे ईज़िली निकाल सकते हैं, इससे कपड़ों की तह बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। और ये वाले जो आप ईज़िली इनको रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी कपड़े रखे हुए ख़राब नहीं होते हैं और देखने में भी अच्छा लगता है। ये तो आप देख सकते हैं पूरी मैंने आपको भी प्रोडक्ट्स दिखाए हैं जो या फिर मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ, वो सब मैंने मंगाए हैं बुलबुल से मेरा लिंक से। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप का भी इसमें लिंक है, व्हाट्सएप मेरा बड़ी का लिंक है। जो भी प्रोडक्ट मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ वो सब आपको मिल जाएंगे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। या और भी वहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आपको पसंद आए आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप जो भी चाहें अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि बुलबुल से आप जो भी शॉपिंग करते हैं तो अगर कोई चीज़ अकॉर्डिंगली आपके लिए नहीं आती है जो आपने मंगाई है, तो इजी रिटर्न पॉलिसी है, 7 डेज़ के अंदर अंदर आप इजीली उसे रिटर्न कर सकते हैं। पूरे ऑल इंडिया में आप कहीं से भी अगर शॉपिंग करते हैं, अपने लिए कुछ भी ऑर्डर करते हैं, तो उसके लिए आपको कोई भी शिपिंग के चार्जेस जो हैं पे नहीं करने हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, शिपिंग के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो बेड में जैसे कि हमने देखा कि ये सब सामान ऐसे ही रखा हुआ है, उसके लिए मैंने मंगाए हैं अपने लिए ये वाले बड़े वाले ऑर्गेनाइज़र। तो ये वाला ब्लैंकेट का ऑर्गेनाइज़र है, इसमें देख सकते हैं आप डी डबल बेड का जो बॉक्स है, इसमें अभी एक सेम साइज़ का जो है एक और भी सेम साइज़ का ब्लैंकेट आप रख सकते हैं, इसमें बेड में रख सकते हैं ईजिली। और ये वाला एक और ऑर्गेनाइज़र जिसमें जो समर्स के कपड़े अभी मैं नहीं पहन रही हूँ, मेरे यूज़ के नहीं है, वो इसमें मैंने रख दिए हैं। तो ये बहुत ही स्पेशियस है, जो भी कपड़े अभी आप नहीं पहन रहे हैं जैसे कि जो समर्स के होते हैं या विंटर्स के, उसके बाद विंटर्स के हम रखेंगे सर्दियों के, तो उनके लिए इसमें स्पेस काफ़ी है, आप काफ़ी सारे इसमें कपड़े रख सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारे कपड़े रखे हैं, फिर भी बहुत सारा स्पेस है और बेड में ईजिली आप इन्हें उठा के रख सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होगी और जितना भी स्पेस है सारा इसमें अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आज है दोज और दोज पे बन रही है खीर। वैसे तो हमारे घर में सब आज मोस्टली सब शादी में जा रहे हैं, तो थोड़ी सी खीर बनाई है मैंने। भोग लगाना ज़रूरी होता है, चाहे कोई खाए ना खाए, लेकिन भगवान जी के भोग के लिए ज़रूरी होती है।